एकीकृत पर्यटन शहर नेपा। देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला उत्तराखंड भारत के सबसे खूबसूरत उत्तरी राज्यों में से एक है। नेचुरल सुंदरता से भरा यह क्षेत्र न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। हाल ही में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कई बुरे अनुभवों और निराशाओं के साथ वापस गए। निराशाओं का मुख्य कारण है ट्रैफिक जाम, पानी की कमी, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल की कमी, अनियंत्रित विकास, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, खराब कचरा प्रबंधन आदि। इन्हीं कारणों से पर्यटक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उन्हें फिर से आकर्षित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा इससे राज्य की इकोनॉमी और साथ ही कई लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और ये उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, मौजूदा टूरिस्ट शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं, जो कि बहुत महंगा विकल्प है। दूसरा विकल्प है नए टूरिस्ट शहरों को विकसित करना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर का स्वागत करना। इससे जमीन की बिक्री से अधिक रेवेन्यू मिलेगा और ये अन्य टूरिस्ट शहरों पर भार भी कम करेगा। JVPL देवस्थली लाखों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ एक प्रस्ताव लेकर आया है, जो देश की इकोनॉमी को 2024 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में मदद भी करेगा। हमारा प्रस्ताव है कि राज्य भर में नए पर्यटन शहरों के लिए भूमि की पहचान कर उन पर एकीकृत पर्यटन शहर विकसित करे जाएं। एकीकृत पर्यटन का अर्थ है क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक संसाधनों, विशेष रूप से पर्यटन संसाधनों के व्यापक और व्यवस्थित उपयोग से पर्यटन को प्रमुख उद्योग के रूप में लेना। एकीकृत पर्यटन का उद्देश्य पर्यटन उद्योग के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। सिंगापुर और सन सिटी दक्षिण अफ्रीका इसके मुख्य उदाहरण है। नेपा, काशीपुर, उत्तराखंड एक संभावित ऑप्शन है। 803 एकड़ जमीन के साथ यह क्षेत्र एकीकृत पर्यटन शहर के विकास के लिए उचित है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में है, जो रेलवे और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और मैदानी क्षेत्र होने के कारण बुनियादी ढांचा विकसित करना सस्ता है, जो नेपा को हर तरह से सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। नेपा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट की तुलना में एक टूरिस्ट आकर्षण के रूप में अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह क्षेत्र एक इकोलॉजिकल संवेदनशील क्षेत्र है और हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ है। शहर से दूर स्थित और खराब औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण औद्योगिक इन्वेस्टर के लिए अंतिम विकल्प होगा। एक सवाल भी उठता है कि इतनी दूर दराज के इलाके में कोई आईटी या सर्विस इंडस्ट्री क्यों स्थापित करना चाहेगा। इसके अलावा SIIDCUL के पास कई अन्य खाली औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है। इंटीग्रेटेड टूरिस्ट शहर की प्रमुख सुविधाएं, जो टूरिस्ट के अनुभव को बेहतर बना सकती हैं और उन्हें फिर से आने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। हर किसी के लिए किफायती 2 से महंगा 5-स्टार होटल और रिजॉर्ट, बर्ड पार्क, चिड़ियाघर, सफारी पार्क, एडवेंचर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, सार्वजनिक पार्क, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्वास्थ्य सुविधा, हेलीपैड, वन्य जीव अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। इस योजना के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय लैंडमार्क होगा, जो हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाएगा। भूमि बिक्री के माध्यम से डायरेक्ट रेवेन्यू शुरू होने के बाद GST कलेक्शन, 10,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट, 20,000 से अधिक के लिए रोजगार का अवसर, कई इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अवसर,
JVPL देवस्थली की टीम राष्ट्र को समर्पित है। रियल एस्टेट के और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेहतर अनुभव के साथ हमारी टीम इस योजना को लगन के साथ पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। संपर्क करें अपूर्व जिंदल।